हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल सिविल के चाचा। होपफुली आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आई एम राहुल रॉय, वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन AKT यूनिवर्सिटी। फ्रेंड्स, आज हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हम आपके लिए लेके आए हैं, और इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि कोई भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन मिस ना हो। और सभी अपडेटेड वीडियोज के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें सिविल के चाचा। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु स्टार्टेड चिपको मूवमेंट। चिपको आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स, इसमें दो तीन क्वेश्चन और बनते हैं कि चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था या चिपको आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था। तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर है कि चिपको मूवमेंट जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा स्टार्ट किया गया था। जी हाँ फ्रेंड्स, सुंदरलाल बहुगुणा ने इसे स्टार्ट किया था। इसको विरोध करवाने का, दर्ज करवाने का जो तरीका था वो ये था कि लोग पेड़ों से चिपक जा रहे थे कि आप हमें काट दीजिए पर हम आपको पेड़ों को नहीं काटने देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा। और ये कहाँ स्टार्ट हुआ था, अगर क्वेश्चन में आए तो आप लोग इसको उत्तराखंड मार्क कीजिएगा। यहाँ फ्रेंड्स, ये उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था। और ये कब स्टार्ट हुआ था, 1973। ये उत्तराखंड में 1973 में स्टार्ट किया गया था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गायत्री मंत्रा इज टेकन फ्रॉम। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। फ्रेंड्स, गायत्री मंत्र के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि ये किस वेद से लिया गया है। हमारे ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्वेद और सामवेद। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऋग्वेदा। जी हाँ फ्रेंड्स, ऋग्वेदा हमारा ओल्डेस्ट वेद है जिसमें हमें मंत्रों के बारे में पता चलता है। और बाकी वेदों के बारे में आप लोगों को बताऊं तो हमारा यजुर्वेद में पोएट्रीज के बारे में पता चलता है, अथर्ववेद में हमें ब्लैक मैजिक के बारे में पता चलता है, और सामवेद में हमें संगीत के बारे में पता चलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको याद करने का एक और ट्रिक है कि 100 से साम और 100 से संगीत। तो सामवेद में हमें किस चीज के बारे में पता चलता है, संगीत के बारे में। पर हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। तो आवर करेक्ट आंसर इज ऋग्वेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच किंग्स टाइम पीरियड गौतम बुद्धा नन एज लॉर्ड। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस राजा के समय में गौतम बुद्धा को लॉर्ड के नाम से जाना गया। तो हमारे ऑप्शन है हर्षवर्धन, अशोका, समुद्रगुप्त और कनिष्क। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे कि अशोका ने ही बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा फैलाया था पूरी दुनिया के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर है अशोका, ऑप्शन बी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इंट्रोड्यूस्ड स्टैच्यू वर्शिप इन इंडिया। जी हाँ फ्रेंड्स, स्टैच्यू वर्शिप को इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया था। जो हमारे यहाँ मूर्ति पूजा है वो इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया था। हमारे ऑप्शंस हैं जैन रिलीजन, बुद्ध रिलीजन, वैदिक रिलीजन और सनातन रिलीजन। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ है बुद्ध रिलीजन। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि कई लोग सनातन रिलीजन में टिक करके आते हैं एग्जाम में, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे मूर्ति पूजा इंडिया में बौद्ध धर्म ने इंट्रोड्यूस किया था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच टाइम पीरियड नालंदा यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश्ड। नालंदा यूनिवर्सिटी किसके समय में स्थापित की गई थी, स्टेब्लिश्ड की गई थी। हमारे ऑप्शंस हैं सोलंकी डायनेस्टी, कुशन डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी एंड गुप्ता डायनेस्टी। हमारा करेक्ट आंसर होगा गुप्ता डायनेस्टी। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों ने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सुना होगा। ये यूनिवर्सिटी पूरे दुनिया में विख्यात थी अपने स्टडी के लिए। और इसके बारे में कुछ जानकारी मैं आप लोगों को और बता दूं कि नालंदा यूनिवर्सिटी में बख्तियार खिलजी ने आग लगा दी थी। जी हाँ फ्रेंड्स, बख्तियार खिलजी कौन था। तो बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का कमांडर था। मोहम्मद गोरी के कमांडर के रूप में वो काम करते थे, बख्तियार खिलजी, और उसने ही इसमें आग लगवाई थी नालंदा यूनिवर्सिटी में। और इसके बारे में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये 6 मंथ तक इसमें इतनी किताबें थी कि 6 महीने तक इसमें कोई आग नहीं बुझा पाया था। जी हाँ फ्रेंड्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पहले क्वेश्चन में देखा कि नालंदा यूनिवर्सिटी को कुमार गुप्त ने ही बनवाया था, तो इसके फाउंडर कौन होंगे, कुमार गुप्त।
कुमार गुप्त इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, और आप लोग को इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन, जैन रिलीजन के सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कुछ जानकारी जैन रिलीजन के लिए कि जैन रिलीजन में जो टोटल तीर्थंकर हुए हैं वो हुए हैं 24 तीर्थंकर्स हुए हैं टोटल, जिसमें हमारे पहले ऋषभ देव थे और आखिरी महावीर स्वामी थे। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन। तो जब क्वेश्चन में रियल फाउंडर आएगा तो उसका आंसर होगा महावीर स्वामी। जी हाँ फ्रेंड्स, बट अगर क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछे कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन, तो फ्रेंड्स जैन रिलीजन के फाउंडर थे हमारे ऋषभ देव। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन, तो जैन रिलीजन के पहले तीर्थंकर हमारे ऋषभ देव इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ लॉर्ड महावीर, महावीर स्वामी के जो पहले स्टूडेंट थे वो कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स जमाली। जी हाँ फ्रेंड्स, जमाली ही पहले स्टूडेंट रहे हैं लॉर्ड महावीर के। इसमें एक और क्वेश्चन डिजाइन होता है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जमाली से किनकी शादी हुई थी? तो लॉर्ड महावीरा की जो बेटी थी प्रियदर्शना, उनका नाम प्रियदर्शना था, उनसे इनकी शादी हुई थी जमाली की। और प्रियदर्शना का दूसरा नाम जो था फ्रेंड्स वो अनुजा था। जी हाँ फ्रेंड्स, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि लॉर्ड महावीरा की बेटियों का बेटी का क्या नाम है? तो लॉर्ड महावीरा की बेटी का नाम प्रियदर्शना और अनुजा, दोनों ही नाम था फ्रेंड्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम अपने नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच होली प्लेस इज नन विथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बोथ। फ्रेंड्स, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लिए कौन सा ऐसा पवित्र स्थान है जो दोनों के लिए जाना जाता है? तो हमारा ऑप्शंस हैं पाटलिपुत्रा, देवगिरी, सारनाथ और कौशाम्बी। तो फ्रेंड्स, हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे कौशाम्बी, डी इज द करेक्ट आंसर। इसके पीछे का रीज़न ये है कि हमारे जो कौशाम्बी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के ही जो धर्म गुरु हैं उन्होंने काफ़ी उपदेश दिए हैं, दैट्स वाई कौशाम्बी इज द होली प्लेस फॉर बोथ द रिलीजन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द ओल्डेस्ट क्वाइन वॉज मेड ऑफ विच मेटल इन इंडिया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सबसे पुराने सिक्के हुए थे इंडिया में वो किस मेटल के हुए थे, किस धातु के हुए थे? तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शंस हैं गोल्ड, कॉपर, सिल्वर एंड कोबाल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स कॉपर, डी इज द करेक्ट आंसर। इंडिया में सबसे पहले सबसे पुराने कॉपर के सिक्के ही बने थे। इसमें कुछ क्वेश्चंस और फ्रेम होते हैं फ्रेंड्स, वो मैं आप लोगों को बताऊं कि किस युग को, किस डायनेस्टी को स्वर्ण युग बोला जाता है, गोल्डन एज बोला जाता है? तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग गुप्ता डायनेस्टी को टिक करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, गुप्ता डायनेस्टी में मंदिरों, देवालयों, हर जगह सोने से उन्हें मढ़वा दिया गया था, तो उस समय सोने की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए गुप्ता डायनेस्टी को हम लोग गोल्डन एज के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, होपफुली आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो आप लोग इसी तरीके के वीडियोस और भी आगे अगर चाहते हैं या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं फ्रेंड्स, इसी तरीके के वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। और अगर आपको कुछ और भी टॉपिक्स हैं जिन पे आपको वीडियोस चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां हमें कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए।